next number. ग्राफ
क्लियर है, विजिबल है स्टूडेंट्स? ओके एंड लास्ट एग्जांपल इज प्लीज नाल नाल नोट डाउन करी जाए। लास्ट में आप किन्ने क्राफ्ट को कंपेयर करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। फटाफट ग्राफ ड्रॉ करो। जीरो फोर वन टू, जल्दी करो स्टूडेंट्स, खुद करो तुम फटाफट। माइनस वन पुट किया, नहीं
तो इसका रूट होगा लेस देन जीरो होगा अपना अपर पैराबोला होगा जिसका कोई भी रूट नहीं होगा क्लियर जब वो अपना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है उदो अपना को दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ये की रूट्स आए सिग्मा को माइनस टू टू ओके जब अपना डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा अपना को दो इक्वल रूट्स आते हैं क्लियर देखो एक मैं बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट किया ये सोच के कि किसी ने कुछ भी नहीं आता क्लियर आप बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करना है क्योंकि अगे अगे जिम्मे जिम्मे का टफ लैब हो जाता है जो अपन बेसिक क्लियर नहीं तो उतो प्रॉब्लम आ गई इतने तक क्लियर है सारे ओके सो रूट्स की सिंपल डेफिनेशन की है वो पॉइंट्स इमेजिनरी यूनिट ओके यूज किया आयोटा स्केयर आप दूसरी साइड लै गए तो आप अगले की बन गया माइनस रूट टू विजिबल है सारे नू सो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट टू इन इसमें ना लिख सकते हैं आप तो ओके दिस इज आर आयोटा रूट टू इंटू आयोटा वेयर आयोटा वैल्यू इज माइनस टू वन क्लियर आयोटा की है इमेजिनरी यूनिट की है आयोटा माइनस वन देन आयोटा स्क्वायर भी किया होगी खुद सॉल्व करके देखो वन होगी आयोटा स्क्वायर ना पढ़ के लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा राइट माइनस रूट वन माइनस रूट वन एक चीज हमेशा याद रखियो कभी भी ये चीज ना करो कि जे अपना को दो नंबर नेगेटिव पे ने रूट्स के विच तो सीधा की करता रूट के अंदर नेगेटिव नेगेटिव नु पॉजिटिव करता रूट के विच कभी भी नेगेटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नहीं होगा क्लियर है ये विच ए किवें सॉल्व होंदा है एदा एक माइनस वन बाहर आऊगा ओके टू थ्री का सिक्स माइनस रूट सिक्स आंसर आऊगा क्लियर है स्टूडेंट्स सो ऐसे में ना देखो एडा आंसर की आऊगा माइनस स्पीक स्टूडेंट्स माइनस आयोटा क्यूब सॉल्व करो आयोटा क्यूब की वैल्यू की आऊगी इन आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इन आयोटा वैल्यू स्टूडेंट जल्दी दसो वैल्यू की आऊगी आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा की पावर फोर की वैल्यू की आऊगी क्लियर इस तो वड्डियां वैल्यू जिन्हें भी आप लवेंगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇੰਟੂ ਆਈਟਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਓਕੇ, ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 1। ਤਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਜੂਗੀ? ਆਇਓਟਾ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜੇ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
होगी जी याद सारे माइनस आई। सो जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। आयता ने पार 1068 रेशनलाइज मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू की आऊंगी माइनस नाइन का। ये चीजा याद रखनिया ने सीधा वन अपॉन आइटा कि इक्वल होंगे माइनस आइटा इक्वल होंगे और माइनस आइटा और कि वैल्यू होंगी अपने को क्लियर है अभी तक सारे नु नाउ सॉल्व आइटा ने पार माइनस 25
ट्रिक देखो, सीधी यदि ट्रिक है कि जब अंदर भी माइनस हो ऊपर पावर च भी माइनस हो माइनस के उलझन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आएगा कि पावर एम ही सॉल्व कर। लिख लो स्टूडेंट्स कि अंदर भी माइनस हो पावर च भी माइनस हो माइनस उलझन की कोई जरूरत नहीं, सीधा आइटा की पावर एम ही सॉल्व कर दो। हम तुम आइटा की पावर 25 में सॉल्व करके देखो थोड़े को सेम आंसर आऊगा। आ रहे हैं जी आइटा ही आंसर आ रहा था आइटा की पावर 25 का। पॉजिटिव पावर्स कितने आयता नहीं अपन नेगेटिव पावर्स भी कितने आयता नहीं दो चीजें कितने ना हम तक अपा पॉजिटिव पावर आइटर ते नेगेटिव पावर्स। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं फटाफट इन्होंने आंसर भी लिखो। विजिबल है ब्लैक बोर्ड पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। जल्दी जल्दी इन्होंने आंसर लिख दो फिर तुम कुछ इन्होंने खुद देखना पैना एक ट्रिक लभनी पैनी है तुम। पॉजिटिव पावर्स ऑफ आयोटा नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा जल्दी जल्दी इन्होंने आंसर लिख दो फिर तुम कुछ इन्होंने खुद देखना पैना एक ट्रिक लभनी पैनी है तुम।